हेलो एवरीवन, आज की व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो सुकून से देखो और पूरी देखो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, दिस इज मी हमजा हफीज एंड यू वाचिंग बूम बूम बडीज व्लॉग्स। तो गाइस, कल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का, किसी भी किस्म की व्लॉग को शूट करने का। लेकिन कल रात से लेके अभी तक ऑलमोस्ट बहुत कुछ हो गया है, लेकिन इतनी व्लॉग नहीं बन सकी है, इतना मैंने कोई भी शूट नहीं किया। तो आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि मैं आया हुआ हूँ अगेन। हमारे पास है सैटरडे का डे और यानी कि हफ्ते का दिन, और मैं आया हुआ हूँ काठोर में। तो यहाँ पे है मेरे दोस्त का फार्म हाउस और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं खुद अपने दोस्तों के साथ आया हुआ हूँ यहाँ पे छुट्टी इंजॉय करने के लिए। लेकिन कराची से लेकर फार्म हाउस तक का, यानी कि काठोर तक का जो भी सफ़र था, उसमें इतना कुछ हो गया है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते। तो गाइस, यहाँ पे सीन कुछ ऐसे है कि नॉर्मली हम सबसे पहले, हाँ, हमारा सीन बना 4 बजे निकलने का, और 4 बजे निकलने का सीन बना, यानी कि हमें 4 बजे के करीब हमें जाना था अपने दोस्त के घर पे। फिर वहाँ से हम सब निकलते जमा होके भैया टाउन के लिए, फिर वहाँ से हम आते काठोर। तो ये कुछ हमारा सीन और ये कुछ हमारे पॉइंट्स बने थे कि भाई हम यहाँ से जमा होके निकलेंगे। लेकिन इसमें से के बने हुए सीन्स कभी भी पूरे नहीं होते, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स पूरे हुए, कुछ कुछ पॉइंट्स पूरे नहीं हुए और सीन पूरा बिगड़ गया और व्लॉग हमारी शूट नहीं हो सकी। चलो, तो रात में आए काठोर जिसकी वजह से व्लॉग भी शूट नहीं हो सकी। ओके, वैसे मेरे पास कुछ कुछ क्लिप्स शूट हुई भी हैं रात की या कल वाले दिन की, जब तक आप वो देख कर आओ ताकि फिर आपको पता चले कि सैटरडे में क्या क्या हुआ है एंड देन संडे में क्या क्या हुआ है। ये भाई सही है, गाड़ी पे जा रहे हो? अब्बा ने दे दी। मैं नहीं जा रहा। क्यों? मैं जा ही नहीं रहा, या तो 6 बंदे एडजस्ट करो। अबे भाई, अब्बा ने एंड टाइम पे दे दी। चलो सही है, मैं बाइक नहीं लेके जा रहा। अबे चल भाई, बाइक लेके नहीं जा रहा, पागल है क्या तू? क्या हो गया? साथ साथ ही चल ले भाई, गाड़ी लेके जाए तुम भाई, एडजस्ट कर लो। अंदाजा हो गया मुझे कि कोई फैमिली वाला ही होगा। दरवाजा खोला, मेरी बहन खड़ी हुई, कहती कि तुमने हमारे कमरे में दस्तक दी है। नंबर आ गया, लाइटें बंद करके हम सो गए। अब उस रात तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे हम उठे, नाश्ता किया, इधर उधर सब जगह घूमे फिरे। एक रूम सर्विस वाला बंदा
दोपहर के टाइम पे हमारे पास आया और उसने बार बार हमसे पूछा कि आप लोग सही हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आप लोग को इस होटल में, इन कमरों में? हमने कहा नहीं, बिल्कुल सही है, गर्म पानी भी आ रहा है, मौसम भी अच्छा है, नज़ारे भी अच्छे हैं। थोड़ी देर के बाद मेरी वालदा हमारे रूम में आती है और कहती है कि तुम लोगों को रात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हमने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा एक और भी बहुत सी चीज़ हमारे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुई है, वो ये हुई है कि इन सब का आफ्टर खाने के बाद इन सब का सीन बना कि भाई चाय पीने जाएंगे होटल में बाहर, और क्योंकि ये काठोर है तो यहाँ पे इतना क्या नाम है, क्या कहते हैं, इतनी कोई आबादी नहीं है, तो भाई खैर ये रुक गए। सिर्फ पूरे फार्म हाउस में अकेला रुका, मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसकी वजह थी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं जागा हुआ था पूरे वीक का, तो मैं नहीं गया, मैं यहाँ पे रुका एंड देन मैं सो गया। आफ्टर दिस जब मैं उठ के आया, आई थिंक 4:30-5 बजे जब मैं उठ के आया लोगों के पास, तो ये सब इत्तेफाक से जाग रहे थे, और जब मैं उठ के आया तो इन लोगों ने बताया कि भाई हमें पता चला है कि फार्म हाउस पे जो है असर बसर है। ठीक है, मैंने कहा ओके, और सडनली मुझे याद आया कि जब मैं रात को सो रहा था तो मेरे साथ भी एक वाक्य हुआ था। वो ये हुआ था कि जब मैं सो रहा था तो किसी ने डब्बे फेंके थे, मुझे डब्बे गिरने की आवाज़ आई थी, तो खैर मैंने इन लोगों को बताया कि भाई ऐसा सीन हुआ है। खैर ये बात आई गई हो गई, यानी कि उस चीज़ पे स्टैम्प लगा दी मैंने कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, यानी जो बताया था और वो हुआ हुआ भी है, तो वो स्टैम्प लग गई इस चीज़ के ऊपर, यानी कि ये वाला सीन जो है ना ओके वाला हो गया, कि यानी कि कुछ है, कन्फर्म है। तो इसके बाद क्या, उसके बाद ये हुआ कि मेरे कुछ दोस्त गए वॉशरूम मेरे कुछ दोस्त वॉशरूम के लिए गए और मैं नहीं गया, और मेरा एक और दोस्त नहीं गया। फिर हम दोनों ने उनके साथ क्या किया वो देख कर आओ। भाग रहे वाह, खुद भी है बराबर। सुन अली, देख पहली बोतल इसने फेंकी, हम बात नहीं कर रहे। अब ना मैंने जो है ना मैंने टॉर्च जलाई यूं करके, मैंने वहां से बोतल ले ली, सिर्फ एक चीज जो डब्बे गिरे ये बराबर तुम्हें पकड़े टॉर्च मुझे अली की गाड़ वाले हसन भागो दूसरी गिरा बोतल गिरने की आवाज आई थी अंदर, अबे भागने की आवाज आई है। अबे सुन सुन सुन, इसको मैंने बोला, मैं और ज़ैन ये तीनों वहां गए, चारों सही है, इन लोगों मुझे बोल रहा है हमसे ये ना हमारे हमारे सामने कोई आ जाए, मैंने बोला सुना हम दो है ना ये कुछ नहीं होगा, बोले नहीं हमसे ये ना हम इनके फाड़े, तू चल तू चल तू चल।
तुम लोग ऐसे रहते हो? लगा हवा से बदल गई है। पहली बॉटल पहली में नहीं तुम्हारी पहली बॉटल मालिक नहीं तो हम देखो जो पीछे अंधी भाग दो बंदे जब खड़े हो तब नहीं पड़ती दोनों भाग गए मुझे हवा लगी पहली में तो ना ये हुआ कि हवा से गिरी हवा से अब पर अब सो हवा से गिरी है या क्या सीन है दूसरी में दूसरी फटी और बड़ा जब घबरा है ना अबे तू और भाग रहे पीछे दीवार से हसन का मुंह देखता लाल और आंसू भरे उसके मैं क्या हो गया क्या हो गया रस्ते भर खैर ये सब कुछ चीजें हुई हैं हमारे कल रात से लेके अभी तक और तो राइट नाउ अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:10 का हो रहा है और यानी कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है शूट हम कर सकते हैं तो बिना टाइम वेस्ट करें मैं यहाँ भी सुकून वाली जगह पे आया हूँ बहुत छत पे आया हूँ ताकि मैं ब्लॉग शूट कर सकूँ और कोई भी जो है ना इंटरप्ट ना करे हमें तो बिना टाइम वेस्ट करें हम वहाँ चलते हैं नीचे कि क्या हो रहा है और अगर पॉसिबल रहा तो अपने दोस्तों से मिल पाते हैं आप लोगों को हेलो दयन भाई सलाम अलैकुम हेलो अली भाई यार देखो कैमरे के सामने ना अपनी अपनी इज्जतें बचा रहा ठीक है सब अपनी अपनी बचा रहा हेलो अली भाई ठीक है गुड मॉर्निंग जी हसन भाई क्या हाल है आपके तो भाई सबसे पहले ये छत का रास्ता और ये जो है एक बाउंड्री लाइन बनी हुई है बाकी बाउंड्री लाइन से पहले यहाँ पे एक अच्छा सा फार्म बना हुआ है सॉरी फार्म बोल रहा हूँ यहाँ पे एक अच्छा सा क्या बना हुआ है ये है स्विमिंग पूल ओके असल में इसको स्विमिंग पूल कहने की आदत खत्म हो गई है हम यहाँ पे 2-3 दफा आए हैं और दोनों से तीनों दफा यहाँ पे पानी नहीं था तो इसलिए स्विमिंग पूल कहने की बिल्कुल भी अब आदत नहीं है इसको तो इस तरह की बाउंड्री से आते हुए हमारे पास जो एंट्रेंस आएगा तो वो एंट्रेंस कुछ इस टाइप का है ये एक अच्छा सा यहाँ पे गार्डन बना हुआ है प्रॉपर टाइप का ये तखत वखत है और ये हमारा बैठक का सीन था यहाँ पे जहाँ पे हमने रात को यहाँ पे अच्छी खासा टाइम गुजारा है इसके अलावा कुछ इस टाइप का है ये तो ये सेकेंड गार्डन है यहाँ पे यानी कि फर्स्ट वाला वो था ये सेकंड वाला है और यहाँ पे हमारे एक अच्छे बेहतरीन किस्म के दोस्त झूला झूलने में मसरूफ हैं हसन भाई याद है नीचे आ जाओ आप ब्रो क्या हाल है आपके आप बताएं कैसा रहा आपका हमारा बहुत हमारा सब कुछ बहुत अच्छा था आप बताएं बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह बहुत अच्छा फार्म हमारे दोस्त का दानिश का बहुत एंजॉय किया रात में और स्विमिंग पूल के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप स्विमिंग पूल के बारे में बस वो आपस की बात है लग गया वो मैंने बता दिया इनको तो भाई ये सीन है बाकी ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं एहसान भाई ठीक है आगे चलते हैं दानू आओ यहाँ पे आओ भाई ये भी एक व्लॉगर है सही है वो अलग बात है ये अब तक अपलोड नहीं करता कुछ भी यार ये आप नहीं कर सकते मैं मुंह पे खींच के मार दूंगा आपके ये तमीज नहीं है आपको इधर आओ यार लाइट में सीधा ना हो ना इधर आओ सूरज वहां का है ना हाँ बेटा ये आप पर्सनल जा रहे हो मैं बता दे रहा हूँ ये जितना भी बलोच बलोच है ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे अच्छा दानू भाई क्या हाल है आपके हाँ तो माशाल्लाह से ये फार्म हाउस आपका है जी जी बिल्कुल और वो जो वहाँ पे जो स्विमिंग पूल है वो भी आपका है उसमें पानी नहीं है नहीं वो स्विमिंग पूल आपका है